मुंबई जैन संगठन ने 200 से ज़्यादा संघों के साथ मिलकर भव्य रथ यात्रा का किया आयोजन। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को 2550 साल हो गए हैं। महावीर स्वामी ने जैन श्रावक श्रविकाओं के लिए नित्य साल के 8 कर्तव्य बताए हैं, उनमें से 5वां कर्तव्य है रथ यात्रा। मुंबई में करीब 1000 से ज़्यादा संघ हैं, उनमें से साउथ मुंबई में करीब 200 से ज़्यादा संघों ने आज ये भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया। इस रथ यात्रा में 1,00,000 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। आज की रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण 200 से ज़्यादा संघों का योगदान एवं एकता का परिचय। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 2550 साल एवं जैन ध्वज के 50 साल के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया, अहिंसावादी महावीर स्वामी की लंबी प्रतिमा के लिए हमें अलग से जगह आवंटित की जाए। हम शरण भगवंत महावीर देव, जिनको 2500 और 5500 साल आ रहा है, उनकी श्रमण संस्कृति के संवाहक हैं। हमारे परमात्मा ने यह बताया है कि अगर आप आराधना करते हैं तो आप में एक सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न होती है और वो शक्ति विश्व कल्याण के लिए प्रदान करने के लिए हम ऐसी भव्यतम रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। इस रथ यात्रा के पीछे हमारा यही मकसद है कि पर्वाधिराज पदूषण महापर्व ने, जिन्होंने मास्कमन किया, 16 उपवास किया, 11 उपवास किया, 8 उपवास किया, 5 उपवास किया, 8 किया, उपवास किया, एम्बल किया, उससे उनके पास जो भी शक्ति प्राप्त हुई है वो शक्ति का वर्षदान, इसका मतलब हमारी ये रथ यात्रा समस्त मुंबई में 200 संघों के प्रतिनिधित्व लेकर के ये विराट रथ यात्रा का आयोजन मुंबई जैन संघ संगठना के माध्यम से हुआ। इसमें 200 संघ सम्मिलित हुए हैं। इसमें हमारे भगवान महावीर देव की सुविशुद्ध परंपरा पालने वाले ऐसे 18 समुदाय की एकता इसमें सम्मिलित हुई है और इस एकता के माध्यम से हम सिर्फ एक ही चाहते हैं कि आने वाला वर्ष, आने वाला समय अहिंसामय हो, कहीं पे भी युद्ध नहीं हो, किसी भी प्रकार के जीव को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, ऐसी सूक्ष्म
कल्याण भावना हम इस श्री संघ के मंच पर आज प्रदर्शित कर रहे हैं। और हमारी सरकार को हम ये कह रहे हैं कि भगवान महावीर उसकी 2550वीं निर्वाण वर्ष अति भव्यता से मनाया जाए, लेकिन उसमें अहिंसा का खूब प्राधान्य दिया जाए, ऐसी हम श्री संघ को और केंद्र सरकार को अपील करते हैं। साथ महाराष्ट्र सरकार को भी ये खास अपील करते हैं, क्योंकि मुंबई वो हमारी जैनों की विशेष संख्या वाली भूमि है, मुंबई के विकास में भी जैनों ने बहुत योगदान दिया है, तो यहाँ भगवान महावीर का एक अद्भुत स्मारक निर्मित होना चाहिए। ये हमारे सभी आचार्यों के माध्यम से हम आज ये प्रेरणा और ये बात श्री संघ के समक्ष और सरकार के समक्ष जन जन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सभी का कल्याण हो, यही मंगलमय शुभकामना। देखो, ऐसे डिजिटल मीडिया बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन भगवान महावीर का सिद्धांत जब तक विश्व में नहीं पहुंचेगा, तब तक शांति, समाधि, समृद्धि और उन्नति होना मुश्किल है। जिंदगी तीन अक्षर का नाम है, जिंदगी तीन अक्षर का नाम है, उसमें प्रेम के 2.5 अक्षर, तो नई युद्ध और नई लश्कर। तो भगवान महावीर का यह संदेश मैत्री, प्रेम, करुणा, वात्सल्य और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए हमारी ये दक्षिण मुंबई की 200 से अधिक जैन संघों की इस सामूहिक रथ यात्रा, पूरे मुंबई के अंदर हर जगह यह संघ का संगठन होने जा रहा है। और यह संगठन बोरीवली के अंदर 27 संघ, मलाड के अंदर 36 संघ और ये दक्षिण मुंबई के अंदर 250 से ज़्यादा संघ इकट्ठा होकर ये और घाटकोपर के संघ और मुलुंड के ये संघ समूह रूप में भगवान महावीर की रथ यात्रा निकाल के विश्व को, सरकार को यह संदेश देते हैं कि अहिंसा का पालन पूरे अपने भारत में हो, क्योंकि भारत का अर्थ ही है हिंदुस्तान। हिंदू यानी क्या? हिंसा से जिसका मन दुखता है, दुभाता है, टूटता है, उसका नाम हिंदू है। तो हिंदू यह भावना, यह संस्कृति पूरे अपने भारत से होकर पूरे विश्व में फैलाए और विश्व का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना और भावना। महाबोधि सूरी जी, कहा जाता है कि यदि शिवाजी ना होते तो सबकी सुन्नत हो जाती। जिस भूमि में हम अभी बैठे हैं, 1942 में 8 अगस्त के दिन गांधी जी ने कहा क्विट इंडिया, तो गांधी जी ना होते तो पूरा देश ईसाई बन जाता। लेकिन 2500 साल पहले यदि भगवान महावीर ना होते तो यह पूरा देश हिंसक बन जाता। आज पूरे विश्व के अंदर जहां भी अहिंसा का बीज पनपा है, उसके मूल में महावीर ने बताई हुई अहिंसा है। आज की रथ यात्रा के माध्यम से सिर्फ जैनों के लिए नहीं, पूरे देश को और पूरे विश्व को भगवान महावीर का अहिंसा धर्म का संदेश फैलाया गया है। पूरा विश्व इस मार्ग पे चल करके अपना आत्मकल्याण करे, यही मंगल कामना। अभी यही संदेश है, हम कलापूर्ण सूरी के आचार्य पूर्ण चंद्र सूरी, यही संदेश है भगवान महावीर का, जन जन में यह संदेश का प्रसार हो और यह विश्व जो है हिंसा से मुक्त बन जाए और शांति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, इन भावनाओं के माध्यम से सारे विश्व के अंदर अहिंसा की भावना, मैत्री भाव की भावना ये गुंजित हो, और यही मंगल कामना, यही शुभकामना। आज जो रथ यात्रा हुई है, ये हमारे भारत देश की अहिंसा यात्रा है। कहते हैं कि जीवन में जब यात्राएं निकल जाती हैं तो यह यात्रा भारत के विजय की यात्रा हुआ करती है, भारत के संघनाथ की यात्रा हुआ करती है। आज पूरा जैन समाज इकट्ठा हुआ है, इस बात का संदेश देने के लिए हम पहले भी भारत के लिए थे, आज भी भारत के लिए हैं और कल भी भारत के लिए रहेंगे। बस इस देश को, इंडिया नहीं,
भारत बोलना चाहिए, इस बात का संदेश देने के लिए आज यह रथ यात्रा निकली है। मैं भी चाहता हूं मोदी जी से, अगर वो भारत के सच्चे नागरिक हैं, इंडिया को हटा दें और देश का नाम रख दें भारत भाग्य विधाता, इस भावना के साथ आज यह देश भारत के नाम से यहां पर जुड़ा है। इस महायात्रा में सभी भक्तों को लिए यही संदेश है, अहिंसा परमो धर्मा। एक महात्मा गांधी ने महावीर के सिद्धांतों को याद रख के देश को आज़ाद किया है। मैं सारे संत मिलकर के देश की आज़ादी के लिए एकता के साथ ये महायात्रा का संगठन आपके बीच में किया है। तो सभी जीवों को, सभी भक्तों को इस महायात्रा का ये भक्तांबर 19 नवंबर को एक दुनिया का इतिहास भगवान महावीर स्वामी के 2550वें महोत्सव पर 25,550 मीटर का एक झंडा फहराया जाएगा जो हमारे देश की एकता का संदेश होगा। तिरंगा झंडे से हम भारत माता को याद करते हैं, लेकिन इस झंडे से हम अहिंसा को याद करेंगे। यह अहिंसा संदेश नेस्को पार्क में आपके बीच में दिया जाएगा। यह संदेश के साथ आप सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। दिन है जब बम्बई के, साउथ बम्बई के 200 से ज़्यादा संघ साथ में इकट्ठा होकर एकत्र ये कर रहे, और खास आज खुशी के दिन है कि चारों फिरका के मनिंदर जैन और चारों फिरका की एकता का एक प्रतीक है। इतने आज जो है तो 200 थे, ये टाइम 350 रचनाएं हुई है और 4 किलोमीटर लंबा है। तो ये जो जैन शासन की एकता और जैन शासन की जो काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे भारत के लिए, तो ये सब एक पुस्तिका भी बनाई है, उसका आज अनुमोदन करने वाले, विमोचन करने वाले। तो ये सब जो आप पढ़ोगे तो खरे मालूम पड़ेगा कि वी आर प्राउड टू बी जैन्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय जिनेंद्र। आज बहुत ही बड़ा प्रसंग है अपना साउथ बॉम्बे की रथ यात्रा के 200 से ज़्यादा संघों का यहाँ सम्मेलन हुआ है और हजारों लोग ये सम्मेलन में जुड़े हैं। और एक विशेष सूचना ये है कि हमारे जो महावीर स्वामी का जो पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में जो संदेश हम दे रहे हैं, वो भी रथ हमारे साथ जुड़ा है। जो रथ जयपुर से चला था वो साउथ बॉम्बे होके अभी पूरे साउथ वगैरह होके अभी बॉम्बे में आया है, वो रथ के भी सब लोगों ने दर्शन किए हैं। और मैं जितने भी यहाँ सब बरगोड़ा में पधारे उसका सबका धन्यवाद करता हूँ, और ख़ासकर आचार्य भगवंतों का, साधु भगवंतों का, साध्वी भगवंतों का मैं खास करके अनुमोदना करता हूँ कि वो भी इस संघ में पधारे हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ और आप सभी को बताते हुए प्रसन्नता है कि इस साल हम भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव अपने जीवन काल में मना रहे हैं। भगवान महावीर के सिद्धांत जियो और जीने दो और अहिंसा प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए उतने ही उपयोगी है जितना जैन समाज के लिए उपयोगी है, क्योंकि भगवान महावीर ने कभी किसी के अंदर डिफरेंस ही नहीं देखा कि कौन जैन है कौन अजैन है। उनके जितने भी सिद्धांत हैं, आज हम उन्हीं सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ हम वो लोग हैं जो अपने लिए भी भोजन जुटाते हैं और देश के लिए भी भोजन जुटाने में बहुत मददगार होते हैं। आइए, आप ऐसे समाज आप सब लोगों का स्वागत करता है और आप इन चीज़ों की अनुमोदना करके पूरे देश में फैलाएं, उसके लिए आपसे निवेदन भी करता है। जय जिनेंद्र।